बाजरा साथी तेरा बन जाऊं है ये जुनून। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होगे। तो गाइज, अभी आप लोगों ने जिस वीडियो को प्रीव्यू पे देखा है, आप लोगों ने कुछ इस टाइप की जो वीडियो है अपने इंस्टाग्राम के अंदर तो देखा ही होगा। इस टाइप की जो वीडियो है गाइज, अभी के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो अगर आप लोग इस टाइप की वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे ना, तो यार आप लोगों की भी वीडियो वायरल हो सकती है। तो आप लोगों को इस वीडियो को बनाना किस तरीके से है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी वे में। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एंड गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम इस चैनल पर रोज़ लेके आते रहते हैं और लाते भी रहेंगे। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो गाइस सबसे पहले आ जाना है आप लोगों को अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। और यहाँ पर गाइस क्या करना है कि आप लोगों के फ़ोन में जो प्ले स्टोर है ना, उसको सिंपली से ओपन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। एंड जैसे ही ओपन करोगे, ऊपर देख सकते हो जो सर्च बार का आइकन है, सिंपल से सर्च बार पे क्लिक करना। और यहाँ पर गाइस MOI जैसे ही लिखोगे तो ऊपर देख सकते हो मोसिस का एक एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा, तो सिंपल से इसको सर्च कर लेना, ठीक है। एंड जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर लोगो भी देख सकते हो, एंड चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरा ओपन का ऑप्शन इसलिए आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग भी डाउनलोड करके कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना। एंड जैसे ही गाइस आप लोग इसको ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने ना कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी गाइस आप लोगों को क्या करना है कि सिंपल से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। एंड यहां पर देख सकते हो तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप लोगों का जो म्यूजिक है, अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया है, ठीक है, तो जो भी फोल्डर में हो वो म्यूजिक को आप लोग यहां से सिलेक्ट कर लेना, या फिर जिस भी म्यूजिक पे आप लोग अपनी एडिटिंग करना चाहते हो। तो मैंने क्या किया है कि ऑलरेडी मैंने ऐड करके रखा है, तो यहां से मैं कट कर देता हूं और यहां पे आ जाएगा। अगर वहां से आप लोग इंपोर्ट करोगे ना, तो यहां पे म्यूजिक आ जाएगा आपका। तो क्या करता हूं, सॉरी, यहां से मैं क्या करता हूं कि इसको मैं कुछ इस तरीके से क्लिक कर लेता हूं। एंड जैसे क्लिक करूंगा, यहां पर देख सकते हो हमको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा हमारे सामने, ठीक है। तो अभी गाइस आप लोगों को क्या करना है कि ध्यान से सुनना, अभी आप लोगों को यह करना है कि अगर आप लोगों के फोन में अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिया है, तो आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू कर लेना है, ठीक है। एंड मोस्टली लोग के फोन में देता है, और बहुत सारे लोगों के फोन में नहीं होगा अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आप लोग जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। उसको ओपन करना, ठीक है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू करना, और कुछ नहीं, आप लोगों को इसको यहां से सॉन्ग को प्ले करना है, और इसको कुछ इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके कुछ इस तरीके से इसको एक-एक ठो ऐसा कुछ इस तरीके से इसका ड्रम्स बीट जो भी है इसका कम कर देना है। ऊपर जो माइक वाला आइकन बना है ना, उसको बस रहने देना, ठीक है। बाकी यहाँ से कुछ इस तरीके से करके जो साउंड है उसको लास्ट तक चलने देना, यहाँ पे जो साउंड जा रहा है ना, इसको पूरा लास्ट तक जाने देना, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो म्यूज़िक है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऐड हो जाए। तो अभी गाइस क्या है कि आप लोगों का जो ऑडियो है ना, वो यहाँ पर ऐड मतलब बन चुका है, ठीक है, आप लोगों का बिना बीट का। तो अभी गाइस आप लोगों को क्या करना होगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ना, उसको बंद कर देना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव टू ड्राइव पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप लोगों को ये वाला जो म्यूज़िक है ना, इसको सेव कर लेना होगा, ठीक है, ताकि हम अभी एडिटिंग में इसी म्यूज़िक को हम ऐड करेंगे अपने उसमें, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद गाइस क्या करूँगा, यहाँ से मैं बैक आता हूँ, एंड अभी आप लोगों को क्या करना है कि अपना VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है अपना VN एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपल से आप लोगों को प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा, एंड यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। एंड जैसे ही क्लिक करोगे गाइस, आप लोगों को अपनी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों की वीडियो किस तरीके की होनी चाहिए, मतलब आप लोगों की जो वीडियो है ना वो कैसी भी हो, बस कुछ इस तरीके से उसका उसमें स्पेस होना चाहिए, ताकि हम उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पे सेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो वाटर मार्क है इसको डिलीट करता हूँ। एंड अभी अगर मैं आप लोगों को वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल सी वीडियो है, ठीक है, बस ऐसी है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसी कुछ वीडियो ले लेना, या फिर अपनी वीडियो भी बना सकते हो, ठीक है, अगर स्लो मोशन वाली। तो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है कि वो जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग था ना, उसे हमें ऐड करना है, ठीक है। तो उसको ऐड करने के लिए गाइस हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टैप टू ऐड स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा।
वीडियोज एंड फोटोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड अभी आप लोगों ने गाइज जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बनाया था, जिसको सेव किया था अपने गैलरी में, ठीक है, तो उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग था वो आ चुका है। अभी गाइज आप लोगों को क्या करना होगा कि इधर की तरफ आना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर नीचे देख सकते हो क्रॉप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल से आप लोगों को इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर की तरफ आना है। यहाँ पे 4:3 का यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे रेशियो दिया है, इसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना। और मैं अभी क्या करता हूँ गाइस कि थोड़ा इसको आगे कर लेता हूँ, फिर से मैं क्रॉप पे चलता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ये अच्छे से दिखे। अभी मैं क्या करूँगा कि कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे क्रॉप करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से इतना। तो आप लोग भी अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से क्रॉप करना, इतना बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे से मैं इसको यहाँ से डन कर देता हूँ। डन करने के बाद गाइज अभी क्या करेंगे हम कि दोनों फिंगर से कुछ इस तरीके से इसको हम छोटा करेंगे। अब छोटा करने के बाद गाइज अगर आप लोग इसको नीचे सेट करना चाहते हो नीचे कर लेना, बीच में करना चाहते हो बीच में कर लेना, या ऊपर करना चाहते हो तो ऊपर सेट कर लेना। तो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, कुछ इतना, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ जो इसका जो आप लोगों का ऑडियो इसमें जो ऐड हो गया रहा होगा, ठीक है, उसको क्या करना है कि यहाँ से म्यूट कर देना। तो ये हमारा ऑलरेडी इसमें साउंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का साउंड म्यूट करके रखा है। तो अभी अगर मैं वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज अभी हमें इसमें एक कमी है जो है हमारा साउंड का। तो वो वाला जो साउंड था गाइज अभी आप उस एप्लीकेशन में जो आप लोगों ने सेव किया था उसको कहाँ से लाना है, यहाँ पे टैप टू ऐड स्टिक म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ पर देख सकते हो गाइज वो वाला जो सॉन्ग था यहाँ पे फर्स्ट में ही आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो सिंपल से चूज पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो यहाँ पे सेव तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड यहाँ से नीचे से इसको डन कर देना है। जैसे ही डन करोगे इसका जो साउंड है इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, बिकॉज यार थोड़ा सा कॉपीराइट इशू है मेरा, ठीक है, तो बाकी आप लोग अपना म्यूजिक प्ले करके देख लेना। तो अब गाइज अगर कुछ लिखना चाहते हो तो यार आप लोग यहाँ पे जाके लिख सकते हो, अगर कुछ भी लिखना चाहते हो अरिजीत सिंह या कुछ जिसका भी सॉन्ग हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं आप लोगों को इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखना कुछ ऐसा हमारा वीडियो देखने को मिलेगा जो काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे कि आप लोगों को इस टाइप की वीडियो को किस तरीके से बनाना है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बिंदास पूछो, मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई जरूर से करूंगा। तो आप लोग भी इस टाइप की वीडियो बनाओ और अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करो। अब गाइज अगर आप लोगों को इस वीडियो को सेव करना है तो सिंपल से इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहां से इसको डन कर देना, तो ये वीडियो गाइज आपकी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना। बाकी यार मैं मिलता हूं आप लोगों को किसी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।